हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा दलाल। आज का हमारा लेक्चर है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स का, जो कि हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसको बोल सकते हैं लार्मर प्रिसिजन। इसके मतलब टॉपिक के नाम में ही है, इसमें क्या है, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा, वो क्या होगा, वो प्रिसिजन करने लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लार्मर प्रिसिजन। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रिसिजेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस। इस प्रिसिजन को हम क्या बोलेंगे, लार्मर प्रिसिजन। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया, सर्कुलर ऑर्बिट। जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो हमारी हमने इस तरीके से बनाया, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर होगी। और जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इसके ओपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू एल से डिनोट करेंगे। एल क्यों लिया हमने, क्योंकि ये हमारा किसके लिए है, ऑर्बिटल के लिए है, इसलिए हम इसको म्यू एल से करेंगे। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, और इसके ऑपोजिट में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। जब हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से इस तरीके से मूव करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। करंट होगा तो इसके अंदर कुछ न कुछ चार्ज भी होगा। जैसे हम देखेंगे करंट निकालेंगे तो क्या होगा, चार्ज बाय टाइम, इस तरीके से लिखेंगे हम करंट को। और क्यों, इसको हम ई, चार्ज हमारा ई बाय टाइम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अंदर टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है हमारा टी, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आम हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल के लिए है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और जो हमारा टी होगा वो किसके इक्वल होगा, टू पाई आर बाय वी। सर्कुलर के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके इक्वल होगा, टू पाई आर बाय वी। जब हम इस वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो हमारी करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी करंट की, आई इक्वल टू ई वी बाय टू पाई आर। हमने बस इस वैल्यू को करंट के अंदर रखा है, ये हमारी क्या आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है। और जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो हमारा करंट इनटू एरिया के इक्वल होता है। और एरिया क्या होता है हमारा सर्कुलर के लिए, एरिया होता हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर से, आई की वैल्यू ये वाली हमने रख दी इनटू पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू आई हमारे यहाँ से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ई वी आर बाय टू, ये क्या आ गई हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। तो हमारी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में, जो हमारी एल की वैल्यू होती है वो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये क्या होती है हमारी रेडियस एम मास, ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर लेंगे, ये हमारी क्या है मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। अगर वेक्टर आ जाएगा तो इसके अंदर म्यू एल जो होगा हमारा वो नेगेटिव साइन में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, ई वी आर बाय 2 इंटू 1 बाय एम वी आर, वी आर से वी आर कैंसिल, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, ई बाय 2 एम। और जो हमने ये रेशो लिया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, इस रेशो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो। क्या बोलते हैं इस रेशो को, जायरो मैग्नेटिक रेशो। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, जो कि हमारा इसके इक्वल आ गया। तो इसमें से जब हम म्यू एल वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, तो ई बाय 2 एम इंटू एल, ये हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर की फॉर्म में निकाल लिया। जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्या है, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, इस तरीके से जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बी क्या ले लिया हमने, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ले ली है। जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो एल जो है वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो किस तरीके से करेगा, इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये देखिए इस तरीके से कुछ डायग्राम आ जाएगा। ये क्या है हमारा, इस तरीके से जब हम एटम को या एटम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में से जब हम में रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा लार्मर प्रिसीजन होगा। यही हमारा टॉपिक है, जब बिहेवियर इन बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को इसके अंदर रखेंगे। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, थीटा, ये हमारा एंगल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये क्या वैल्यू आई थी हमारी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई थी, ये हमारी रेशियो की वैल्यू आई थी ई बाय 2 एम, ये हमारी वेक्टर इन दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम टॉर्क, टॉर्क की इसके अंदर क्या डायरेक्शन होगी, जो टॉर्क होगा हमारा वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी और जो कि परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के भी। इसमें एक चीज और देखो, जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है एंगुलर मोमेंटम के, जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, टॉर्क परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम के, और जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक डाइपोल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। ये देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू म्यू एल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने क्या लिया है, बी। अब क्या होगा, जो एल की डायरेक्शन होगी, जब हम इसमें से इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा, कुछ न कुछ हमारा डायरेक्शन में चेंज आएगा, वो इस तरीके से, ये क्या होगी हमारी डी एल, इस तरीके से कुछ न कुछ डायरेक्शन में चेंज होगा। तो टॉर्क इक्वल टू डी एल बाय इन द टाइम डी टी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ओमेगा क्या होती है हमारी, इसके अंदर क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है।
और क्या एंगुलर वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? डी फाई बाई डी टी, और डी फाई इक्वल टू ओमेगा डी टी। इस तरीके से हमने ये इसके अंदर लिया है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी इसके अंदर? जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, क्या होगा हमारा? ओमेगा डी टी। और जब हम इसको इस तरीके से लेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा? एल साइन थीटा के, ये बाय ये। तो हमारी ओमेगा डी टी किसके इक्वल आएगा? डी एल बाय एल साइन थीटा के। जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे जब इसके अंदर से, तो डी एल बाय डी टी को हम डी एल के नीचे लेके जाएंगे। हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, डी एल बाय डी टी एंड वन बाय एल साइन थीटा को हम इसमें अलग से लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। और जो डी एल बाय डी टी, अभी हमने यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू देखी थी, इसको हमने क्या लिखा था? डी एल बाय डी टी की फॉर्म में लिखा था। तो हम इसके अंदर ये टॉर्क को रख देंगे बाय एल साइन थीटा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये क्या है हमारी? एंगुलर वेलोसिटी है। और हमारी टॉर्क की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम इसके अंदर जब हम टॉर्क की वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एल एंगुलर मोमेंटम इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हमने अभी अभी इसी लेक्चर में फिर से किया था, जो इनका रेशियो होता है वो हमारा, ये क्या हमारा? जायरो मैग्नेटिक रेशियो है। जो ये रेशियो होता है वो हमारा ई बाय 2m के इक्वल होता है, ये किया था हमने अभी ऊपर। तो हम इस रेशियो की वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे, ओमेगा इक्वल टू ई बाय 2m। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू को सिर्फ इसके अंदर क्या किया है? पुट किया है इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हम क्या निकालेंगे? लार्मर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी होगी हमारी ओमेगा बाय 2 पाई। हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई के, तो हमारी क्या आ जाएगी? लार्मर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ई बाय 2m बी, ये क्या हमारी? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है बाय 2 पाई। जब हम इन दोनों को इस तरीके से 2 पाई से डिवाइड करेंगे जब हम एंगुलर वेलोसिटी को, तो हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी? ई बी बाय 4 पाई m। ये हमने क्या निकाल दी? लार्मर फ्रीक्वेंसी। यही हमने निकालना था इसके अंदर, जब हम किसी एटम में मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रखेंगे तो हमारी बिहेवियर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसा होगा वो लार्मर प्रिसिजन करने लग जाएगा इस तरीके से। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे हम, कहाँ इम्पोर्टेंस है इसकी। दिस थ्योरम इज कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एज इट इनेबल एज इजी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी किसके अंदर? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये इजी बना देता है कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी लेवल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या थी हमारी? इसकी इम्पोर्टेंस थी लार्मर प्रिसिजन की। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप पिछली वीडियो को देख लें, वैसे मैंने इसके अंदर भी उसका थोड़ा सा जिक्र किया है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।